कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि इसके प्रभाव को मास्क पहनकर ही रोका जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते देश की बड़ी आबादी को मास्क उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत स्किल्ड वर्कफोर्स मास्क बनाने के काम में जुट गई। मास्क प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज में काम कर रहे इन वर्कर्स को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की RPL स्कीम के तहत स्किल ट्रेंड किया गया है। ये है सराय की रहने वाली सविता और जम्मू की रहने वाली पूजा। दोनों आपस में दोस्त हैं और फरीदाबाद की एक अपैरल फैक्ट्री में काम करती हैं। लेकिन इन लोगों के पास कौशल का कोई प्रमाण नहीं था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दोनों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL के तहत सर्टिफाई किया गया। इससे इनके कौशल में निखार आया और आज ये मास्क बनाने की फैक्ट्री में काम कर रही हैं। साथ ही अपने स्किल से देश को कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में भी मददगार साबित हो रही हैं। हम यहाँ काम करते हैं, हम मास्क बनाते हैं, नीचे फैब्रिक आता है, कटिंग में कट के फिर वो ऊपर आता है, फिर हमारे मशीनों पे उसके पार्ट आते हैं, हम उसको सिलते हैं, सिल के फिर उसको मशीनों पे सिलाई करके मास्क बनाते हैं। कम से कम एक दिन में हम 30-40-50 मास्क बनाते हैं। RPL के जरिए दिए जा रहे सर्टिफिकेट के साथ इन्हें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलता है और अपने कौशल का प्रमाण भी। अब तक देश में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा लोगों का RPL करके उन्हें सर्टिफाइड किया जा चुका है। RPL का ये सर्टिफिकेशन देश भर के लाखों कामगारों को समर्थ बना रहा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें एक पहचान पत्र दिया है कि हम एक ऑपरेटर के लिए हमें सर्टिफिकेट मिला है कि इसको दिखा के हम किसी को बता सकते हैं कि हम ऑपरेटर का काम कर रहे हैं और इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट भी होंगे। कौशल भारत, कुशल भारत।